इस साल भारत में खेले जाने वाले 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम को सीमित ओवर में नया कप्तान मिल जाएगा। हालांकि इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बताया है कि वनडे वर्ल्ड कप के बाद किसे टीम इंडिया की कप्तानी मिलनी चाहिए। शास्त्री का मानना है कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा से वनडे और T20 की कप्तानी ले लेनी चाहिए और हार्दिक पांड्या को उनकी जगह दोनों फॉर्मेट में नियमित कप्तान बना देना चाहिए। हार्दिक 2022 T20 वर्ल्ड कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद से ही लगातार T20 में भारत की कप्तानी कर रहे हैं। द वीक को दिए इंटरव्यू में रवि शास्त्री ने कहा है, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की बॉडी टेस्ट क्रिकेट का सामना नहीं कर पाएगी। ऐसे में 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद उन्हें सीमित ओवरों की कप्तानी संभालनी चाहिए। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तान होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया के भविष्य के कप्तान के रूप में ऋषभ पंत और केएल राहुल को देखा जा रहा था। फिर इस लिस्ट में नाम शामिल होता है श्रेयस अय्यर का, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए और इस लिस्ट से बाहर हो गए। इसके बाद IPL 2022 में गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम की कप्तानी सौंपी। मानो फिर क्या था, हार्दिक के तो तेवर ही बदल गए। पहली बार कप्तानी में ही हार्दिक ने गुजरात को खिताब जिता दिया और हर कोई उनकी कप्तानी का मुरीद हो गया। इसके बाद 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से हार्दिक को भारत की T20 टीम का कप्तान बनाया गया। यहां भी उन्होंने दिग्गजों को अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है। फिर IPL 2023 में उनकी कप्तानी में गुजरात ने फाइनल तक का सफर तय कर लिया। अब हर कोई हार्दिक को भविष्य के कप्तान के रूप में देख रहा है। आप क्या हार्दिक पांड्या को भारत का अगला कप्तान देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।